पावर स्टार पवन सिंह की जमकर तारीफ की है खेसारी लाल यादव के डायरेक्टर पराग पाटिल ने। जी हाँ, आइए क्या है पूरा माजरा आपको समझाते हैं। पराग पाटिल जो कि इन दिनों पटाया में है और आप सभी जानते हैं वो देश से बाहर क्या कर रहे हैं, वो देश से बाहर इन दिनों अपनी फिल्म संघर्ष 2 की शूटिंग में बिजी है। वहाँ से आए दिन रोज़ बड़ी ही प्यारी प्यारी खूबसूरत तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि क्या कुछ कहा है संघर्ष 2 के डायरेक्टर पराग पाटिल ने पवन सिंह के लिए। पवन सिंह की एक फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया है जो कि फिल्म लंदन में शूट हुई थी यशी फिल्म के बैनर तले, और वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हुए पराग पाटिल ने ये कहा कि मैं जिस कॉल टाइम पर पवन सिंह को बुलाता था, पवन सिंह उस कॉल टाइम पर पहुँच जाते थे। आराम से हमारे बीच हर एक बात का डिस्कशन होता था, शूटिंग हुई और फिर हमने अपने पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली बगैर किसी रोक टोक, बगैर किसी झिझक के। और मुझे पवन सिंह के साथ काम करना आगे भी अच्छा लगेगा अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो। के अलावा और पवन सिंह के बारे में ये कहा है पराग पाटिल ने कि आगे भी मैं पवन सिंह के साथ काम करना चाहूँगा, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस ओके था। ऐसे में सवाल उठता है कि संजय बानन जो कि पवन सिंह के बारे में इतनी कुछ बातें बोल गए कि पवन सिंह कॉल टाइम पर आते नहीं थे, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो वो किस फिल्म की बात कर रहे थे? क्योंकि जिस फिल्म को डायरेक्ट पराग पाटिल कर रहे थे उसमें संजय महानंद भी थे, या फिर संजय महानंद सच बोल रहे हैं या पराग पाटिल झूठ, या पराग पाटिल सच बोल रहे हैं और संजय महानंद झूठ। खैर, इसका फैसला भी कभी ना कभी तो ज़रूर होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।